हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें अदरक लंबे टाइम के लिए किस तरीके से स्टोर करनी है। अभी तो अदरक के रेट मंडी में बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन गर्मी आ चुकी है, रेट अब बढ़ने लगे हैं और बरसात तक इसके रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। मेरे घर में बिना अदरक की चाय कोई नहीं पीता, चाहे सीजन कोई सा भी हो। इसी के लिए ना मुझे अदरक स्टोर करना पड़ रहा है, और जब मैं अदरक स्टोर कर रही हूँ तो उसी का एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ले ली मैंने 5 किलो अदरक, और इस अदरक को मैंने अच्छे से धो लिया, और धोने के बाद इसे एक कॉटन के कपड़े पे फैला दिया जिससे कि इसका पूरा पानी ना सूख गया। अदरक का पानी अच्छे से सूख जाने पर हम इसको चॉप करेंगे। चाहे तो आप अदरक को छील लीजिए, और अदरवाइज तो जब आप इसे साफ से धो देते हैं तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है इसका छिलका उतारने की। लेकिन जहाँ कहीं भी आपको थोड़ी थोड़ी मिट्टी या थोड़ा गंदगी सी दिखाई दे, तो उसी वक्त जब आप इसे धोते हैं, जो ब्रश होता है छोटा टूथपेस्ट वाला, आप उससे इसको साफ कर लीजिए, और उसके बाद आप इसे चॉपर में चॉप कर लीजिए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको ना ग्रेट करके भी रख सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैंने किया था पूरे 5 किलो अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया था कद्दूकस में कस करके। हमेशा आप ध्यान दीजिए, जब भी आप इसको ग्रेट करें, जो सबसे बड़े वाले इस बड़े साइज के इसमें होल होते हैं उसी से कीजिएगा, जो बारीक वाले होल होते हैं उनसे मत कीजिए। अगर आपके पास चॉपर है तो डेफिनेटली आप चॉपर का ही यूज कीजिए, क्योंकि ग्रेट करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि चॉपर से बहुत जल्दी चॉप हो जाता है। दूसरा, चॉप किया हुआ अदरक जल्दी सूख जाती है, जबकि ग्रेट किया हुआ अदरक ना देर में सूखती है, और क्योंकि वो ना अपना थोड़ा रस को छोड़ देता है, ग्रेट करते टाइम रस निकलता रहता है, और जबकि चॉप करते टाइम ऐसा नहीं होता है। चॉप करने के बाद आप इसे धूप में सुखाने डाल दीजिए। याद रहे कि धूप में सुखाने के लिए या तो आप बटर पेपर का यूज कीजिए, इसे बटर पेपर में सुखाने डालिए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप प्लास्टिक के टब वगैरह, जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, वो यूज कीजिए। और अब मैंने इसे एक पतली सी चुन्नी से पूरा कवर कर दिया है ऊपर से, जिससे कि ये धूल मिट्टी से बच सके। डेली आप इसे धूप दिखाइए जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से सूख न जाए। एकदम कुरकुरा होना चाहिए, बिल्कुल भी अदरक में नमी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद डाल दीजिए आप इसे मिक्सी के जार में, और बहुत अच्छे से बारीक से ग्राइंड कीजिए, बिल्कुल एकदम अच्छा सा इसका पाउडर बना लीजिए मिक्सी में पीस कर। और इस पाउडर को आप किसी एयरटाइट डिब्बे में रखें, जैसे कि हमारे पास मोस्टली हॉर्लिक्स च्यवनप्राश वगैरह के डिब्बे होते हैं, उन्हें अच्छे से धो करके आप धूप में सुखा लीजिए, तभी उनमें इसको रखें। हमेशा ध्यान दें इसे ग्राइंड करने से लेकर के पैक करने तक का, जिस मिक्सी के जार में आप इसे ग्राइंड करते हैं उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं लगा हुआ होना चाहिए, और जिस डिब्बे में आप इसे पैक कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम सूखा और ड्राई होना चाहिए। यूज करते टाइम भी आप इस पाउडर में कभी भी गीला चम्मच और गीला हाथ ना डालें। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी छोटी छोटी टिप्स पसंद आती हो तो मेरी वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बेल आइकन आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।